नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप का ब्लॉग्स। हमें राम क्लास है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, 20 दिन के अंदर सिर्फ दो ही बार डिस्चार्ज दिया है क्रॉस कराने के बाद हमारी गाय या भैंस, तो वो गर्भवती होगी या नहीं गर्भवती होगी, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक किसान सवाल पार्ट 200 है। आपके भी कोई सवाल है आप अपना वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं, अगर हमारी गाय या भैंस को क्रॉस करा दिया जाता है, अगर हमारी पशु डिस्चार्ज करती है, तो डिस्चार्ज से हम एक अनुमान लगाते हैं कि हमारी गाय या भैंस गर्भ धारण किया है या खाली है। तो देखिए, जैसे आपकी गाय हो गई या भैंस हो गई, क्रॉस करा दिए, एआई करा दिए, 20 दिन के अंदर अंदर, यहां पर जो किसान भेजे हैं, 20 दिन के अंदर अंदर दो बार डिस्चार्ज दिया है, इस पे ध्यान देना है। डिस्चार्ज पर भी आपको गौर करना है कि डिस्चार्ज किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, जिससे कि गर्भवती नहीं होगी। और इस तरह का डिस्चार्ज होगा तो गर्भवती होगी, और इस तरह का डिस्चार्ज है तो बिल्कुल गर्भवती नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्रॉस कराने के बाद सिर्फ दो बार डिस्चार्ज दिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गर्भवती नहीं होगी उस अवस्था में, गर्भवती नहीं होगी उस अवस्था में डिस्चार्ज कैसे आ सकते हैं, भले दो बार किया हो या तीन बार किया हो। अगर नहीं गर्भवती ठहरना है तो ऐसे जैसे आप एआई करा दिए तो बिल्कुल पानी पानी जैसा डिस्चार्ज आएगा, बिल्कुल पतला रहेगा, पानी जैसा रहेगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो समझ लीजिए आपकी जो भैंस है या गाय है उसके गर्भ रुकने के कम चांस हैं। और भी आप दे सकते हैं, जैसे कि देखने को मिलता है कि क्रॉस करा दिए, एआई करा दिए, करने के बाद उसी दिन, जिस दिन क्रॉस एआई कराया, अगर उसी दिन वो डिस्चार्ज देती है, जैसे दही जैसा, दूध जैसा, फटा फटा या पीला पीला बहुत ज्यादा मात्रा में, और ऐसी स्थिति अगर देखने को मिलती है तो ऐसे में भी देखने को मिलता है कि पशु गर्भवती नहीं ठहरती। ऐसे में क्या उसे बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कोई डिस्चार्ज नहीं दिया, दूध जैसा, दही जैसा, फटा फटा, मट्ठे जैसे, छाँव जैसे, इस तरह का कोई डिस्चार्ज नहीं आया है, और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो इस तरह का डिस्चार्ज मतलब बच्चेदानी की इन्फेक्शन हो सकती है। अगर आपकी गाय भैंस गर्भवती अगर होने की है तो डिस्चार्ज किस तरह से करेगी, तो अगर गर्भवती होना है तो वो जो आपकी पशु होगी, गाय होगी या भैंस होगी, जो आप क्रॉस करा देंगे, एआई करा देंगे, उसके लगभग कभी भी जो है, जो भी डिस्चार्ज देगी, दो दिन तीन दिन बाद जो भी डिस्चार्ज देगी या एक सप्ताह बाद डिस्चार्ज देगी, वैसे भी देखने को मिलता है कि जैसे कि आपके पशु क्रॉस करा दिया गया है, दो दिन तीन दिन बाद देखने को मिलता है कि मोटा डिस्चार्ज दिया है, मान लो दो दिन तीन दिन बाद, वो सही है, तब गर्भवती हो सकती है। और दूसरी जो है, अगर एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार डिस्चार्ज देती है, हल्का पीला मोटा रहेगा, तो गर्भवती हो सकती है। या 15 दिन बाद आपकी जो गाय भैंस है हल्का पीला मोटा डिस्चार्ज करती है तो गर्भवती हो सकती है। उसी जगह पर अगर 20 दिन पे या 19 से 20 दिन के अंदर हल्का पीला रहेगा अब मोटा रहेगा, ऐसा डिस्चार्ज देती है दोबारा, तो गर्भवती होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अगर नहीं गर्भवती होती तो वही 20 से 21 दिन बाद वो दोबारा हिट में आ जाती है, अधिकतर हिट में आ जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करेगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।